Assalamualaikum. Welcome to Civilized Education System. This is our online biology class for the students of grade T9th and 9th. Our fourth lecture is about the functions of digestive organ. Last lecture में हमने digestive organs के names देखे थे, अब हम functions पढ़ेंगे. The first digestive organ is mouth. Mouth is responsible for the ingestion process. हमने पढ़ा था कि ingestion जो है वो simply फूड को मुंह में लेना है, यानी ईटिंग ऑफ द फूड है. तो ये इंजेस्टन बिगिंस इन माउथ. वंस द फूड इंटर्स द माउथ आवर टीथ स्टार्ट्स च्यूइंग और मैस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग दैट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जैसे ही हम फूड को मुंह में लेते हैं, हम च्यू करते हैं इस फूड को विद द हेल्प ऑफ आर टीथ. तो इस च्यूइंग को मैस्टिकेशन को कहा जाता है. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग बोथ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय आवर टीथ. इसके नतीजे में क्या होता है कि हमने जो फूड लिया है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, हमारे माउथ में टंग भी है. व्हाट डज टंग डू? द टंग असिस्ट इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड देन द टंग एंड द रूफ ऑफ द माउथ हेल्प मूव द फूड अलोंग द एसोफेगस. टंग हेल्प करती है जो फूड हमने मुंह में लिया है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में. सलाइवा बेसिकली इट इज आर जो है वो हमारा थूक है, ठीक है. उसमें ये लॉब्स जो कहते हैं फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं. ये सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं. अगर आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हमने एसेसरी ऑर्गन्स पढ़े थे जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी थे. सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं विच हेल्प्स द मिक्सिंग ऑफ द फूड. और इस सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. दूसरा मैंने हाईलाइट किया है टंग को. तो टंग एक एसेसरी ऑर्गन है जो फूड को मिक्सिंग में हेल्प करती है. जैसे ही यहाँ पे फूड ग्रिंड और च्यू हो जाता है फिर उसके बाद टंग हेल्प करती है उस फूड को नीचे पास कर जाने में, यानी कि एसोफेगस में फूड को पास करने में हेल्प करती है. पार्ट ऑफ फूड डाइजेस्टेड इन द माउथ. अब हमारे मुंह में जैसे हमने फूड लिया है उस वहाँ पर फूड डाइजेस्ट हुआ या कौन सा फूड डाइजेस्ट हुआ, लेट्स सी. पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स हियर. फूड का कुछ पार्ट जिसे हम स्टार्च कहते हैं उसकी डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. किस तरह डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है? जो सलाइवा हमारे मुंह में था, सलाइवरी ग्लैंड्स जिन्हें सिक्रीट किया गया था, वो सलाइवरी ग्लैंड्स उस सलाइवा की मदद से जो है वो स्टार्च की डाइजेशन शुरू कर देते हैं. व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन पोटैटोज कॉर्न रूट वेजीज फैट्स फ्रॉम एनिमल्स. ये जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पोटैटोज में, आलू में, कॉर्न वगैरह में होते हैं. और ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि शुगर, स्टार्च, फाइबर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स में भी होता है. उसके बाद हमारा ऑर्गन था एसोफेगस. एसोफेगस बेसिकली डाइजेशन नहीं करता. ये एक कनेक्शन है बिटवीन माउथ एंड द स्टमक. द एसोफेगस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट ट्रांसपोर्ट्स सलाइवा लिक्विड्स फूड्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. जो चीज़ हमने मुंह में ली थी फूड प्लस सलाइवा प्लस लिक्विड्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक की तरफ. ये हम अगर डायग्राम देखें एसोफेगस इन स्टमक की, तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है दिस इज एसोफेगस. इसका इंटीरियर पार्ट कनेक्टेड होता है हमारे माउथ से. माउथ से फूड इस एसोफेगस के जरिए स्टमक में जाता है, ठीक है. नेक्स्ट सी व्हाट इज स्टमक. व्हाट डज स्टमक डू? बेसिकली इन टू सेंस डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक. असल डाइजेशन जो है वो स्टमक में होती है. दिस ऑर्गन नॉट ओनली होल्ड्स द फूड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मिक्सर एंड ग्राइंडर. ये कुछ देर हमारी जो डाइट है जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में रहती है. क्यों रहती है? ताकि वो अच्छे से मिक्स और ग्राइंड हो जाए. मिक्सर और ग्राइंडर जिस तरह हमारे हम यूज करते हैं जूसर की एग्जाम्पल, क्योंकि घर में अगर जूस बनाते हैं जूसर में बनाते हैं तो जो भी हमने इंग्रीडियंट्स लिए होते हैं अच्छे से उसमें मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं. इसी तरह का काम हमारे स्टमक का भी है कि स्टमक जो है उस फूड को अच्छे से ग्राइंड और मिक्स कर देता है. द स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को मजीद ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें मजीद सिंपल कर देते हैं फूड को और ज़्यादा जो है वो डाइजेस्ट करते हैं एंड चेंज इनटू लिक्विड और पेस्ट ऑल द टाइम. उसके बाद वो हमारा फूड जो है वो एक लिक्विड एक पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसे हम काइम कहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन के साथ साथ जो हमारे फूड के साथ अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टमक में गए हैं तो उन्हें भी किल करता है, उन्हें भी मार देता है. और एक और टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की एंजाइम्स ही. तो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करते हैं, यानी कि वो बहुत तेजी से डाइजेशन हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में शुरू हो जाती है. टाइप ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय स्टमक. अब स्टमक में किस तरह का फूड जो है, स्टमक का कौन सा पार्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है? द स्टमक
जूसेस बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. हमारे स्टमक में प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो की डाइजेशन शुरू हो जाती है. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन प्लस फैट मजीद यहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर इसका इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे. बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़.